नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, ये इंटरव्यू उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जो क्लास टेंथ की इस वर्ष तैयारी करें। उनको सभी को ये अंदाजा लग जाएगा जो टॉपर होते हैं उन्होंने अपनी स्टडी किस तरीके से की थी। तो आप भी उसी तरीके से कर आप अपनी परसेंट को काफी हद तक अच्छी बना सकते हैं। और एक और बात है, कौन सी खास बातें हैं जो एक छात्र को प्रेरित कर सकती हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी होता है। और इसके लिए हम ये सभी इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि आप सभी को मोटिवेट हो सकें। जो स्टूडेंट अभी परसेंट बना रहे हैं उसी हिसाब से आप उनके बारे में पता चल जाए कि उनका डेली रूटीन क्या होता था, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा तो आप भी अपनी परसेंट को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। मेरा नाम शिवम लोधी और मेरे पिता का नाम श्री नरेंद्र सिंह लोधी है। तो हमारे अभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपकी अभी वर्तमान में 10th क्लास में कितनी परसेंट बनी है? मेरी 93% बनी है। तो आपने अभी 93% बनाई है, तो आप इसका श्रेय कैसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और कोचिंग के सर राहुल सर को देना चाहूंगा। तो आपने 93 मार्क्स हासिल किए हैं, तो आपको कभी लगा है कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा हो और इसमें आपने अपनी तैयारी किस ढंग से की है और उसमें आपको गाइडेंस किसने दिया है? इंग्लिश मुझको कठिन लगती थी, इसमें मेरे पिता ने तथा इस कोचिंग के सरों ने साथ दिया है। कोचिंग के सर ने साथ दिया है, सही है। और आपका जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आए? मैथ सब्जेक्ट में 99 मार्क्स आए, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। आपका एक मार्क्स कहाँ कटा है वो आप बता सकते हैं व्यूअर्स को? वो पता नहीं है हमें। अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। और आप अभी 11th क्लास में आ रहे हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे? मैथ सब्जेक्ट। इसका कोई कारण? नहीं, मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है हमें। हाँ सही है, वो अपनी रुचि के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो दोस्तों को देख कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उनके घर वालों को प्रेशर में आकर लेते हैं। लेकिन आपका जो पैशन है, आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, आप उस सब्जेक्ट को फॉलो करें, ना कि किसी दूसरे को देखकर आप उस सब्जेक्ट को फॉलो करें। तो आप 93% हासिल करने की अभी किया है, तो आप घर वालों का रिएक्शन कैसा है? घर वाले बहुत ही खुश हैं, मेरे परिवार के लोग पूरे। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है मेरे पिताजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। अभी इन्हें 93% हासिल की है, तो उनके घर वाले खुशी होंगे, क्योंकि 93% आना बहुत बड़ी बात होती है अभी इस फील्ड में, ठीक है, 10th क्लास में। क्योंकि अभी COVID-19 था, कोरोना वायरस था, इसका आपको लगता है कि आपकी स्टडी पर कोई फर्क पड़ा है कोरोना वायरस का? नहीं, मुझे नहीं लगता हमारी पढ़ाई पर इसका कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि वो पेपर की तैयारी तो हमने पहले से ही कर ली थी पूरी, बस पेपर ही देना था। हाँ सही है, एक पेपर बचा था, वो तो आपको उसमें पास ही कर दिया गया है। तो अभी जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं अभी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनसे निराश नहीं होना है, उन्हें अगली बार तैयारी अच्छी तरह से करना है तथा हर एक सब्जेक्ट के नोट बनाना है। सही है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाना है। और अपनी जो सफलता पाते हैं व्यक्ति, वो निरंतर थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन उस अभ्यास को करते हैं तभी सफलता मिलती है, ना कि एक दिन में ही हो जाता है काम। दिन प्रतिदिन के योग को ही हम सफलता बोल सकते हैं। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। आपकी हॉबीज क्या है? क्रिकेट खेलना तथा पढ़ाई करना। सही, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो सभी को ही पसंद है और विराट कोहली सबका फेवरेट है। जब आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे थे, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको कोई नर्वस फील हुई थी? नहीं, मेरे दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कोई टेंशन मत लेना, और मैंने तैयारी भी अच्छी की थी पेपरों की, इसलिए कोई टेंशन नहीं हुई। तो आपने एग्जाम में कोई भी, मतलब कि एग्जाम में जाते थे तो कभी कभी होता था एग्जाम हॉल में जाने के बाद कुछ क्वेश्चन भूल जाते थे, तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आप, मतलब कि उन अटेंड कर पाते थे, कुछ बताना चाहेंगे टिप्स से स्टूडेंटों को जो अगली बार आना चाहते हैं? जो क्वेश्चन मैं भूल जाता था उन्हें, जो जितना आता था उसी के आधार पर वो आगे बढ़ाता जाता था। हाँ सही है, जिस आधार पर, मतलब थोड़ा तो आइडिया रहता, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था तो क्या करना, उसी टाइप के उसी हिसाब से, क्योंकि हम पहले एक दो बार पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आप पूरी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेंड ना कर पाए, लेकिन उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को जरूर लिख पाएंगे। जो एग्जामों का प्रेशर रहता है स्टूडेंटों को, मतलब कि जैसे ही एग्जाम आते हैं तो स्टूडेंट क्या है, नर्वस होता है, टेंशन होती है, तो इस टेंशन से दूर रहने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए?
इस टेंशन से दूर रहने के लिए स्टूडेंट्स जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तभी से मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। सही है, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो ना तो टेंशन होगी और ना ही कोई एग्जाम का प्रेशर रहेगा। तो आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू आते रहेंगे और आप देखते रहिएगा और आपको ये इससे ये अंदाजा लग जाएगा जो टॉपर होते हैं वो बेसिकली अपनी तैयारी किस ढंग से करते हैं, कितना सब्जेक्ट को कितने समय में अटेंड करते हैं और अपनी जो एग्जाम में किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। 93 मार्क्स आना छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, इसे हासिल करना हर छात्र का एक ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। जो छात्र इसे हासिल कर लेते हैं वो अपनी उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो छात्र इसे हासिल नहीं कर पाते उन्हें क्या करना है, उन्हें अगली बार इस पर ट्राई करते रहना। थैंक यू सो मच जो आप हमारे चैनल पर आए। धन्यवाद। सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करता तो वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू। आपने जो स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।